आपसे बात करना चाह रहा था कि आपके आपका जीवन अपने आप में क्राइम क्या है? एक एक मिनट है, एक क्राइम फ्री भारत, भारत इसका यूट्यूब चैनल वगैरह है, फेसबुक है, सब है। एक मिनट भारत, हाँ अभी बताइए आगे। मेरा सोचना ये था कि सर, मेरा सोचना ये था, नहीं नहीं सुनने में नहीं आता बराबर सर, मेरा कहना है, मेरा सोचना ऐसा है हाँ कि ये किसी भी पार्टी से किसी अच्छे भारत की अपेक्षा करना मूर्खता है। हाँ ठीक है, क्योंकि इनकी सोच ही दूषित है। हाँ बिल्कुल, और मेरा ऐसा मानना है कि शायद हम डेमोक्रेसी को तो बहुत पीछे छोड़ आए हैं। हाँ एक एक मिनट, लास्ट सेंटेंस में क्या मुझसे समझ नहीं आया। हाँ मैंने ये कहा कि हम डेमोक्रेसी को काफी पीछे छोड़ आए हैं। हाँ अब हम डेमोक्रेसी में नहीं रह रहे हैं। नहीं डेमोक्रेसी में नहीं है, लेकिन वो क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी के बजाय। हाँ चलो, हाँ तो डेमोक्रेसी जैसे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, जैसे डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी भी होता है ना। सर मेरा डेमोक्रेसी है कि सर इस समय पॉलिटिको क्रेसी में है, और उसकी डेफिनेशन हाँ? जो मैंने क्वाइन की है कि गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिटिशियन फॉर द पॉलिटिशियन बाय द पॉलिटिशियन, दैट आई एम अवेयर। हां पार्डन, दिस इज न्यू डेफिनेशन। यस सर, हमें डर लग रहा है कि हम बहुत जल्दी क्रिमिनोक्रेसी की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ, और वो क्रिमिनोक्रेसी की सर डेफिनेशन रहेगी गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल बाय द क्रिमिनल फॉर द क्रिमिनल, और हम उसके दरवाजे के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। हाँ, जहाँ नेताओं के विरुद्ध अपराध मुश्किल से कायम होते हैं, काफी हम फास्ट यानी बहुत जल्द गति से पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो जैसे अभी जो देखा जाए तो अभी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके चुनाव के दौरान जो उन्होंने खुद का एडमिशन किया है उसके हिसाब से 42% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हाँ, राइट, और 29% ऑफ देम सर दे आर हैविंग वेरी वेरी सीरियस ऑफेंसेज लाइक प्लीज। अब सर ये बताइए कि जिस देश में चपरासी बनने के लिए सचरित्र होने की आवश्यकता है, उस देश का कानून का निर्माता बनने के लिए और उस देश का भाग्य विधाता बनने के लिए आप अपराधी तो छोड़िए, आपको सचरित्र होने की आवश्यकता क्यों नहीं है? अब सर देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सब कह रहे हैं कि साहब जो है ना इसमें कानून बनाइए जिससे क्रिमिनल्स जो है ना राजनीति में ना आ पाए। जस्ट वापिस बोलिए ना, मुझे सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे वापिस बताइए लास्ट। हाँ, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से कि साहब आप कानून बनाइए जिससे कि अपराधी जो है वो चुनाव ना लड़ पाए और वो चुनाव में उनको लड़ना संभव ना हो, ऐसा जो है ना कानून बनाना चाहिए, संशोधन। हाँ, बराबर है, राइट सर। लेकिन जो राजनीतिक सभी पार्टियां ज्यादा क्रिमिनल्स को जो है ना टिकट बांट रही हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स जो है आसानी से जीत पा रहे हैं। हाँ, वो पार्टी को स्ट्रेंथन करती है, पैसा देते है, गुंडागिरी करके कमाते भी है और दहशत भी निर्माण करती है। तो ऐसे कैंडिडेट को बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो वो प्रेफरेंस देती है चुनाव में कैंडिडेट बनाने के लिए। तो क्या सर हम यही कहना है ना आपका? बिल्कुल यही कहना है सर मेरा। हाँ ठीक है, मेरी सर इसमें रिक्वेस्ट ये है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है। हाँ हाँ, विभिन्न फील्ड में जो है ना बहुत ज्यादा काम करने का, जिसमें उन्होंने रिटर्न में कुछ अपेक्षा भी नहीं की। हाँ हाँ, क्या हम ऐसे लोगों को छान के और उनको उनकी लिस्ट बना के उनके काम को जो है क्राइम फ्री भारत का जो हमारा अम्ब्रेला है उसके साथ लेके उनके काम का लाभ जो है एक ज्वाइंट वेंचर जैसी व्यवस्था के तहत पब्लिक तक क्यों ना पहुंचाए? क्योंकि ज्ञान काम नहीं चलेगा। हाँ, तो आपके नहीं, एक एक मिनट, आपके विचार तो मुझे बहुत अच्छे लगे है। हाँ हाँ, और इस दिशा में काम अगर कोई करना चाहते हैं तो मुझे खुशी रहेगी। मैं सर इस विषय में बहुत आगे बढ़ गया हूँ।
मैं आपसे सर एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आपका एक बहुत बड़ा नाम है, आपका जीवन भी एक तपस्या है। मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने विभिन्न फील्ड में बहुत अपने जीवन को लगा के तपस्या की है। इन तपस्याओं बनाने का है, जो ऐसे लोग मेरे दृष्टिकोण से है, ऐसे लोगों की सूची बनाना, ये आपका कहना है ना? करेक्ट करेक्ट सर। ओके सर, दूसरा हमारा सोचना ये है कि हम हाथ जोड़ के उनके पास जाए कि हमें आपकी इन चीजों का जानकारी है, हम चाहते हैं कि आप हमारे क्राइम फ्री भारत से जुड़े और हम आपके जो तपस्या है उसके निचोड़ को जनता तक पहुंचाएंगे, वो भी बिना सरकार की मदद के। हाँ, तो आपकी जो सोच है Yes, sir. वो मुझे बहुत अप्रिशिएबल और इम्प्रेसिव लगती है, उसमें कोई शक नहीं है। यस सर। खाली इतना है कि खाली रियली सेल्फ हेल्प सर्विस एंड सेल्फ हेल्प टाइप की सर्विस नहीं होगी सर। हाँ, ये ज्वाइंट वेंचर के कॉन्सेप्ट पे रहेगा। एक मिनट ना। आपकी ये जो सेल्फ है, सेल्फ लेस और हॉनेस्टी की जो भावना है, यस सर, वो मैंने स्वीकार किया है, और इसके लिए मेरा क्या योगदान चाहिए मुझे बताइए। सर मैं ये चाहता हूँ कि एक तो हमें आपसे वो इनपुट चाहिए जो आपको लगता है कि इसको करना इस देश के लिए अच्छा बनाने की लिस्ट बनानी है। एक तो जो है सर उन तपस्वियों की सूची बनाना है जो आपके दृष्टिकोण से जिन्होंने बहुत काम किया है, उन्हें शायद रिकॉग्निशन भी ना मिला हो, उन्हें उनकी हम जो तपस्या को एक प्रोडक्ट और सर्विस में कन्वर्ट करके जन जन तक पहुंचाएं, वो भी ज्वाइंट वेंचर में, जिससे किसी को ज्ञान बांटने की जरूरत ना हो, नंबर वन। अच्छा, नंबर टू जो है ये है कि उन्हीं में से दूसरा पॉइंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मिनट है मुझे समझ में आने के लिए। हाँ, लिस्ट ऑफ सेल्फलेस सर्विस जिन लोगों ने की है उनके लिए आपका क्या करना चाहते हैं? हम उनकी सूची लेके उनके पास पहुंचना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू रियली रीच देम आउट, राइट। एक तो हम उनकी तारीफ करना चाहते हैं अपने मन करना चाहते हैं, ठीक है ना सर? ठीक है। दूसरा उनका जो अनुभव का निचोड़ है उसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से बिना ज्ञान बांटे प्रोडक्ट और सर्विसेज के रूप में हम उसे जनता को पहुंचाकर इस देश को हेल्दी और वेल्दी बनाना चाहते हैं। अच्छा, और वो भी जो है बिना सरकार की मदद के। सरकार की योजनाओं का वो करेंगे, लेकिन सरकार का जो ना बहुत बड़ा कोई एहसान की जरूरत नहीं, उनकी जो वर्तमान योजनाएं हैं जो यदि उपयोगी होंगी तो उनका उपयोग जरूर करेंगे। एक एक मिनट, सॉरी एम टी की ऐसा समय में ले रहा हूँ, तो उसके लिए दुखद हूँ, लेकिन जरा मुझे धीरे धीरे समझाने की जरूरत है। एक तो अपनी तारीफ की बात की, बराबर है। दूसरा हमें कह रहे हैं जो नॉलेज ना, उनका जो नॉलेज है, यस सर, KNW, यस सर, DGE, हाँ बोलिए। उनके नॉलेज को जो है हम उसका उपयोग करना है, उसको टेक्नोलॉजी में डाल के बिना एफर्ट्स के सामने वाले को प्रोडक्ट और सर्विसेज के रूप में और रिटर्न में जो भी उसमें सहभागी होगा उसको रेवेन्यू स्ट्रीम बांटा जाए, जिससे कि देशभक्ति और उसके आधार पर नहीं, शुद्ध जो है लाभ के लिए लोग बाग जुड़े और वो जो है मालामाल हो और देश में समृद्धि आए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट ये है कि इन्हीं तपस्वी लोगों में से उन लोगों को, आज 540 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि जो है इन क्रिमिनल्स को रिप्लेस करें और इस व्यवस्था को जो है ना बदलने की जो ना आगाज करें अपन, क्योंकि जब तक हम क्रिमिनल्स को नहीं बदलेंगे तब तक ये तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तो समझ गए। हाँ, वो तो मैं अवेयर हूँ, राइट। तो ये जो कमर्शियल आपने क्या बताया, हमने ये कहा कि सर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। नहीं, वो समझ गए, वो जो कमर्शियल या जो पैसे वाले लोग हैं और जो उनकी चाहत है कि देश को ठीक करने की या
सर उसमें पैसे की चिंता ना करें, पैसा तो आ जाएगा क्योंकि उस ज्ञान में पैसा कर पैदा करने की शक्ति है, राइट। और जो भी उसमें योगदान देगा उसको रेवेन्यू स्ट्रीम में। आपने जो बोला, एक मिनट, आपने जो बोला था कमर्शियल हेल्प, तो वो उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। मेरा ये कहना है कि वो लोग जो है शक्तियां अपने आप ही जुड़ जाएंगी क्योंकि उनको बदले में रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी सर। हाँ, जो अपना काम देखकर खुद ब खुद आ सकते हैं ऐसा। हाँ, उनको भी अप्रोच कर लेंगे अच्छे लोगों को। तो जैसे ज्यूम करिए कि जो है जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं प्रेम जी वगैरह, जो इतना बड़ा काम करते हैं, जो टाटा जी हैं, इन लोगों के पास आप जाके विनती तो कर ही सकते हैं कि आप भी जुड़िए और आपका तो देश को बदलने में इतना योगदान रहा है, आपकी सोच रही है, आपका उनका जीवन भी तपस्या है, तो हम ऐसे लोगों को क्यों ना जोड़े। हाँ ठीक है, आई एग्री विथ यू, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सर, फाइनल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज राजनीतिक विकल्प ना होने के कारण इन क्रिमिनल्स को अपना मनमानी करने का मौका मिल रहा है। हाँ, वो भी समझ गया। तो 540 के हम ऐसे लोग पैदा नहीं कर सकते हैं जो कि जिनका जीवन तपस्या है, वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे। थोड़ा इसके पहले भी ऐसी कुछ संस्था नहीं, वो शुद्ध रूप से नहीं हुआ है। देखिए, उसमें क्या हुआ, हम बदलने की बात कही, हम सत्य लेने की बात कही। हाँ, हम एक मिनट ऐसी क्या बोलते सूचना लेकर और दिल से काम करने की और उसके लिए योगदान करने की इच्छा कुछ लोगों ने जाहिर की थी, उसने प्रयत्न भी किया और लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। और दूसरा सर, नई सोच, नई ताकत, नई टेक्नोलॉजी के साथ यदि करेंगे तो ताकत मिलेगी सर। नहीं सुनो ना, एक मिनट ना। यस सर। उसके लिए मैं अपने इलेक्शन कमिश्नर जो बहुत फेमस हुए थे, सेशन जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सेशन जी और किरण बेदी और आईएएस लोगों की जो संगठना थी एसोसिएशन, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष और एक सर, हम इसको एक मिनट सर, मैं सर थोड़ा सा काटना चाहता हूँ आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि लेट इट नॉट बी सर्विस ड्रिवन। हम आईएएस और आईपीएस की बात ना करें, हम पर्सनालिटीज की बात करें सर, वो चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। नहीं, इसका मतलब ये सब आईएएस, जैसे मैंने कहा कि नहीं, आईएएस आईपीएस की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यदि इतने तपस्वी होते तो उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, उन्होंने वो परिवर्तन तो नहीं ला पाए, है ना वो। हाँ, तो मुझे लगा था कि शेषन बीजी और ऐसे कुछ लोग साथ में आते हैं, तो मेरी भावना थी कि हम कुछ क्रांति जैसा कर पाएंगे। और अपने जो प्रेसिडेंट थे क्या अब्दुल कलाम जी हाँ, उनको भी मैंने अप्रोच किया था। हम काफी एक एक दो दो घंटा इस पर बात भी की है और उसकी तैयारी भी थी कि मैंने कहा था उनको, आप देश को लीड कीजिए, मैं आपका सिपाही जैसे आपके साथ काम करूंगा। और उसने मन भी लिया था अफ्टर हेजिटेटन, और 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद वो प्रेसिडेंट बन गए, इसलिए आगे का काम नहीं हो पाया। नहीं बन पाया, गुड। नहीं लेकिन सर, अभी अभी सर हम उल्टा चलेंगे। हाँ, अभी आप बताइए। हाँ, अभी हमारी सोच ये है कि इन लोगों को खोजा जाए, और अकेला ना वो आईएएस हो ना आईपीएस हो, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे एग्रीकल्चरिस्ट हों, चाहे वो जो है ना डॉक्टर्स हों, चाहे वो नेचुरोपैथी वाले हों, जो भी हो, जिसने तपस्या करके कुछ ऐसी चीजों के ऊपर ऑलरेडी सिद्धता हासिल की है जिससे देश का कल्याण हो सकता है, उनको जोड़ें और उनके एक्सपीरियंस को सामने लाएं, राइट सर। ठीक है, और सबसे पहले उनके एक्सपीरियंस से हम कुछ करके दिखाएं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा सर, सत्ता के लोग जुड़ जाएंगे, और यदि सत्ता को जो हासिल करना यदि आपका मकसद है, बराबर है, तो फिर आप जो है वो चीज हासिल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर आप उसी थैले के चट्टे बट्टे हो जाएंगे आपकी सोच। और ये सर बड़ी
विडंबना का विषय है कि इस देश में हमेशा इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस को सपोर्ट किया गया है, उनको पद्मश्री बांटे गए हैं, उनको पद्म विभूषण बांटे गए हैं, उन्होंने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया है, आपकी ग्लोरियस हिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने छिपा दिया है, आपको हाँ। जो है ना एक मूर्ख जो है ना कौम के बजाय पेश कर दिया है। हाँ, वो मैं सब आपके विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ, ये आपका प्रपोजल में समझ गया हूँ। तीसरा और बताइए, और इसके तो मैं ये कहता हूँ कि सर इस पे आप होमवर्क करके हम आपसे एक वीक बाद फिर से बात करेंगे कि सर आपने क्या क्या कर लिया है, सो दैट हमारी टीम जो है सर आपको आगे रखेंगे और वी कैन रीच आउट टू दीज पीपल सर, हम उनको सम्मान दें, उनका वो करें, उनकी बात समझें और पहले उससे जनता को लाभ पहुंचाने की पहले कोशिश करें, क्योंकि यदि उसमें वेल्थ क्रिएट करने का पावर है तो हम बिना सपोर्ट के भी वो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं ना, ज्वाइंट वेंचर के तहत रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से। जैसे अज्यूम करिए, ये मैं इसे सहमत हूँ, आगे बढ़ाइए। तो बस सर आपसे प्रार्थना ये है कि सर आप हमसे जुड़े, सर हम आपको क्राइम फ्री भारत की कोर कमेटी का सदस्य करना चाहते। ठीक है, चलो शुरू करने के लिए मैं जोर भी आपके साथ अभी जोड़ सकता हूँ। आई एम विलिंग टू ज्वाइन विथ यू एटलीस्ट फॉर द बिगिनिंग टिल आई मेक क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड इनसाइड। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है सर। एक हमारी सर यूट्यूब चैनल, फेसबुक पोर्टल सब चल रहे हैं जिसका नाम है सर क्राइम फ्री भारत। सर यदि आप अभी यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको उसमें हमारे ढेर सारे इंटरेक्शन मिल जाएंगे। हम 53 यूनिवर्सिटी से तो सर हमारा एमओयू है। यूट्यूब वो क्राइम फ्री का आपका जो चैनल है क्राइम फ्री भारत सर। हाँ तो आप चलाए करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें, मैंने देखा भी हूँ। अच्छा, और आप सर उसमें ये देखेंगे कि आप उसमें उसकी सोच की उड़ान देखिए सर, उसमें हम बच्चों को सम्मिलित कर रहे हैं। आई एम हैविंग एमओयू विथ 53 यूनिवर्सिटीज सर। वी आर क्रिएटिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। अच्छा, आज हम 3 बजे मीटिंग कर रहे हैं उन स्टार्टअप और उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर बनेंगे। तो वो हम उनको अपने इस वेंचर में टेक्नोलॉजी पार्टनर बना के और टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी को गड़बड़ी नहीं करने देंगे और इंस्टेंटेनियसली उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। यस, आई हाईली अप्रिशिएट दिस पॉइंट। क्योंकि सर नेशनलिज्म के नाम से भूखे पेट वाले को तो नेशनलिज्म से रास नहीं आएगा ना, उसका पेट तो नहीं भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री, 100% आई एग्री विथ यू। तो यदि उसको हम, और आई एम टोटली अगेंस्ट एनी रिजर्वेशन के बजाय हम उसमें वो शक्ति और मेरिट पैदा करें जिससे वो शाम से जो है ना उसे नौकरी भी मिले। हम उसको फ्री भी बांटने की बजाय उसको जो है परचेजिंग पावर क्रिएट करें, और जब तक उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। सर जब परचेजिंग पावर तो जब क्रिएट होगी तब क्रिएट होगी। आज उसको आई फुल्ली एग्री एंड आई एम ऑल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन एंड आई बिकॉज ऑफ माई एज आई कुड नॉट मेक एनी प्रोग्रेस। नहीं सर, है ना हम जैसे लोग आपको आपकी आपकी सोच को आगे ले जाने के लिए आप चिंता क्यों करते हैं। नहीं है सर, हम सर डीजीपी रहते हुए क्राइम फ्री भारत का जो है ना कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल कराया मैंने। ठीक है ना, सो आई एग्री विथ यू। यस सर, फुल्ली एग्री विथ यू। Only just keep in mind, yes sir, that I'm running, I have completed 79 years, running 80 years. हाँ, sir, आप जैसी महान आत्माओं का तो सर ब्लेसिंग ही पर्याप्त होती है। हाँ हाँ, नहीं, I am quite healthy also, there is no problem. Yes, but sir. Whatever I can contribute, I'll be highly happy and I will get a lot of happiness within. सर पहला सबसे बड़ा काम सर ये है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में मदद करिए सर जिनका जीवन तपस्या। हाँ बिल्कुल, दैट आई ऑलरेडी एग्री। राइट सर, दूसरा है सर उनका यदि हमको नंबर मिल जाएगा तो आई विल पर्सनली टॉक टू देम एंड ट्राई टू ब्रिंग देम इन फोल्ड। आई विल डू दैट। राइट सर। तो मैं सर आप जो हमारी और आपकी बात हो रही है सर, हम इसको इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, आपकी अनुमति चाहते हैं कि सर हम इसको अपने क्राइम फ्री भारत पे अपलोड करें। ग्रांटेड। राइट सर, क्योंकि हम चाहे ना कर पाए
लेकिन हम सोचने की तो हिम्मत कर रहे हैं ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई फुल्ली एग्री विथ यू, क्योंकि सर ये सोचना भी तो सर एनर्जी है ना सर। हमने कहा सर सोच भी तो एक एनर्जी है ना सर, ये शुरुआत है। यस सर। तो सर मैं आपको जो है एक क्राइम फ्री भारत का कोर ग्रुप है सर, उसमें आपको जोड़ लेता हूँ, राइट सर? हाँ ठीक है। और आपसे एक वीक बाद सर मैं आपसे बात करूंगा सर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, मतलब 11-12 जो भी पड़ेगा सर। एंड उस समय सर हम आपसे जो है किसी उस पे मीटिंग करेंगे अपन, तो अपनी सोच जो हम क्या सोच रहे हैं दुनिया भी इसे देखे सर। ये आपकी जो सोच है सर, वो मैं 100% मोर देन 100% इज एक्सेप्टेबल टू बी। यस सर। एंड आई विल बी हाईली मोबिलाइज ऑफ योर यूनिट फॉर क्रिएटिंग फीलिंग एंड ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट सक्सेस। सर आपके इन शब्दों से मुझे इतनी एनर्जी मिली है, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो हैप्पी इन टॉकिंग विद यू। यस सर, यस सर, यस सर। एनीथिंग मोर? नहीं सर, मैं आपसे जो है ना व्हाट एवर नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे सर मैं आई विल कनेक्ट टू यू अगेन सर। ओके, व्हाट एवर हेल्प आई कैन डू एट दिस एज एंड एट दिस माई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग आई एम विलिंग टू। सर आपकी तो सर ब्लेसिंग भी अपने आप में पर्याप्त है सर, उससे एक्स्ट्रा आप जितना कर पाएंगे जो हमने आपसे प्रार्थना की है वो मिल जाएगा। हाँ। तो फिर तो और सोने में सुहागा हो। ठीक है ठीक है, लेट दैट आई ऑलरेडी एग्री, थैंक यू वेरी मच। राइट सर, राइट सर, रिगार्ड्स। आई एम रियली ओब्लाइज्ड इन गेटिंग इन टच विथ मी, थैंक यू। राइट राइट सर, रिगार्ड्स सर। ओके।